दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल कुर्ती का कटिंग। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुर्ती की कटिंग स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी के साथ सिखाने वाला हूँ। और ये जो मेजरमेंट है, ये शरीर का मेजरमेंट लिया हुआ है, तो शरीर का मेजरमेंट लेकर कुर्ती कैसे कटिंग होता है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेजरमेंट देख लेते हैं। पहले बाही का लंबाई जो रहेगा वो रहेगा 14.5 इंच का, गोलाई रहेगा यहाँ का 11 इंच का, आर्म होल रहेगा 17 इंच का, शोल्डर रहेगा 14.5 इंच का, और कुर्ती की लंबाई रहेगा 40 इंच का। चेस्ट रहेगा, यानी अपर चेस्ट है ये, चेस्ट रहेगा 37 इंच का, प्लस 5 इंच लूजिंग डालना है उसमें। ठीक है, और कमर है 35.5 इंच का, इसमें भी प्लस 5 इंच लूजिंग डालना है। और सीट है 39.5 इंच का, तो इसमें भी प्लस 3 इंच लूजिंग डालना है। ठीक है, ये शरीर का मेजरमेंट लिया हुआ है, इसीलिए जब हम शरीर का मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें जो होता है, अगर किसी को फिटिंग का चाहिए तो 4 इंच लूजिंग रहता है चेस्ट में और कमर में, और सीट में रहता है 2 इंच का। ये जो है ये थोड़ा लूज रहेगा, मतलब लूज फिटिंग का ये बनाना है, इसीलिए मैं अपर चेस्ट में 5 डालने वाला हूँ, कमर में भी 5 इंच लूजिंग रहेगा और सीट में 3 इंच लूजिंग में डालने वाला हूँ। लूजिंग मतलब जो चेस्ट जो नाप आता है, समझ लीजिए इसका नाप 37 आया हुआ चेस्ट का, तो 37 प्लस 5 इंच और इसमें लूजिंग ऐड करूँगा, फिर उसको 4 भाग करूँगा, फिर माप डालकर फिर कटिंग होगा। तो चलिए वीडियो में सीखते हैं आगे कैसे होता है। और जो गला रहेगा इसका पीछे का 3 इंच का है, आगे का जो गला है वो 7.5 इंच का है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा इससे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सीधा कर लेंगे। सबसे पहले ये नीचे साइड हमारा यहाँ पर आएगा, नीचे वाला साइड, ऊपर साइड हमारा यहाँ पर आएगा, तो सीधा कर लेना है इसको सबसे पहले। और उसके बाद से लंबाई 40 इंच का है, तो हमको ये मैं अस्तर कटिंग कर रहा हूँ। ठीक, तो 40 लंबाई करना, तो यहाँ पर 1 इंच कम आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि अस्तर है अंदर रहता है, 39 इंच हमारा आ रहा है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ से ये जो मार्किंग लगाना है, कमर का लाइन लगाना है, वो लाइन मैंने नाप लिया है, आप लोग वैसे शोल्डर पे ऐसे रख कर नाप लीजिए कमर का लाइन कहाँ तक आएगा, इसका मेजरमेंट रहता है। और फिर वैसे ही ये साइड कट कहाँ पे चाहिए वो भी नाप लीजिए। तो इसका जो हमारा आया हुआ है, यहाँ जो आया हुआ है लाइन कमर का, वो आया हुआ है हमारा 14 इंच पे, तो मैं रखूँगा यहाँ पर 14.5 इंच पे। ठीक, और सीट का जो लाइन आया हुआ है शोल्डर से ही, वो हमारा आया हुआ है 20 इंच पे, तो हम रखेंगे 20.5 इंच। ठीक है, सबसे पहले इन दो लाइन को हम लोग ऐसा कर लेना है। ठीक, ये हो गया हमारा सीट का, ये हो गया कमर का, अब हम चेस्ट का आर्मोर का लाइन लगाना सीखेंगे। तो ये लाइन लगाना मैं आपको सिखाता हूं, एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले करना क्या है, ये जो चेस्ट है अपर चेस्ट वो 37 इंच का है, तो प्लस उसमें 5 कर देंगे, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ये 42 आ रहा है, तो 42 को 4 भाग में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10.5 इंच, तो 10.5 इंच यहाँ पर ऐसे रख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद से शोल्डर है, शोल्डर है 14.5 इंच का, तो 14.5 आ रहा है, तो हमें हम 14.5 पे मार्किंग यहाँ पर कर देंगे और 0.5 इंच इसमें और ऐड कर देंगे,
उसके लिए अपना मतलब ये बाहें जब लगाएंगे उसके मार्जिन दबा जाता है उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा गैप मिल गया। अब इस गैप से हम यहां से क्या करेंगे, इस मार्किंग से हम एक इंच में दो सूत कम रहेगा मार्किंग कर देंगे, ठीक। तो यहां से जो ये मिल रहा है यहां तक इसको नाप लेंगे कितना मिल रहा है, ये हमारा दो इंच बच रहा है, यहां तक नहीं यहां से यहां तक, यानी आपको दिखा दूं मार्किंग कर दे रहा हूं, ये देखिए यहां से यहां तक ये जो जितना बच रहा है इसको ध्यान में रखना है, दो इंच हमारा है। अब क्या करेंगे, अब गले का हमारे करेंगे, गले चौड़ाई रहेगा हमारा तीन इंच पर मार्किंग कर ले रहे हैं इसको। और अब ये पीछे का जो गला है वो बंद है, अब बंद गला है तो हमारे उसमें क्या होता है डाउन है, तो शोल्डर जो है हल्का सा डाउन होता है, तो मैं यहां पर एक इंच शोल्डर डाउन करूंगा। देखिए यहां से एक इंच ऊपर से एक इंच शोल्डर डाउन कर दिया और उसके बाद ऐसे मैं इसको मार्किंग लगा लिया, ठीक ये हो गया। अब फ्रंट जो गला है वो हमारा है 7.5 इंच का, तो ऐसे 7.5 इंच पर ऐसे मार्किंग कर लेना है गला का, और यहां से 3 इंच पर मार्किंग कर लेना है, ठीक। अब इसको भी ड्रॉइंग कर लेना है, ठीक। इसमें हमारा रहेगा पान गला, तो पान गले का भी ड्रॉइंग कर लेंगे, इस पट्टी को रखेंगे ऐसे, ऐसे हो गया। अब इसको रखेंगे ऐसे, इसको भेज दिया, कितना खूबसूरत पान गले का ड्रॉइंग हो गया है। अब देखिए अब ये वाला लाइन आपको मैं सिखाता हूं लगाना कैसे लगाते हैं। ये जो 2 इंच बचा हुआ है तो इसको 2 इंच को जो ये किसी डाउन किए हैं यहां से यानी यही से ये देखिए 2 इंच यहां से ऊपर माइनस कर देंगे। अब देखेंगे हमारा आर्मोल कितना आया हुआ है, हमारा जो आर्मोल आया हुआ है वो आया है 17 इंच का, तो 17 का आधा कितना होता है 8 होता है, तो 8 पर मार्किंग कर लेंगे ऐसे, सॉरी 8.5 आएगा, 17 का आधा 8.5 आएगा, तो 8.5 पर मार्किंग ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए ये हम कितना रखे हैं, हमारा शोल्डर 14.5 है, तो 14.5 का आधा होगा 7 × 2 सूत, तो ये मार्किंग कर देंगे और ये मार्किंग आधा इंच दबाव के लिए जो बाहें लगाएंगे उसके दबाव के लिए। चलिए अब इसका करेंगे हम ये लाइन ले लेंगे और अपर चेस्ट 37 का है तो +5 करेंगे 37, 38, 39, 40, 41, 42। अब इसको 4 भाग में बांट देंगे, 10.5 आएगा, 10.5 यहां पर रख देंगे, ठीक। अब कमर देखिए, कमर जो है 35.5 का है तो +5 जो डालेंगे तो 35, 5, 40 ये हो जाएगा हमारा 40.5 हो जाएगा 40.5। तो 40.5 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंच 1 सूत, मार्किंग कर देंगे, ठीक। हमको इसमें पीछे डॉट लगाना है उसका भी मार्जिन हम इसमें ऐड कर दिया हम 1 इंच, ठीक है। मतलब 5 जो लूजिंग डालेंगे तो 1 इंच उसमें पीछे टैक्स मार देंगे तो 4 इंच लूजिंग हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा और 5 इंच यहाँ पाएगा चेस्ट में, 4 इंच यहाँ पाएगा और 3 इंच यहाँ पर लूजिंग आएगा, ठीक। अब देखिए ये 39.5 का सीट है तो इसमें प्लस करना है 3, 39.5 का जो है 39, 40, 41, 42 और वो आधा इंच 42.5, तो 42.5 को बांटेंगे हम 4 भाग में तो कितना आएगा 10.5 इंच 1 सूत आएगा, तो मार्किंग यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब तीनों मार्किंग ऐसे लगा देंगे ये देखिए और यहां से ऐसे, ठीक। अब बड़ा पट्टी लेंगे, ये देखें कितना आ रहा है 10.5 इंच 1 सूत का है। चलिए हम इसको क्या करेंगे 10.5 इंच 1 सूत यहाँ पर ऐसे रख लेंगे, इसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा हम और बढ़ा देंगे घेर के लिए, ठीक। अब इसको ऐसे ड्राइंग कर लेंगे। अब इसके बाद जितना आपको चाहिए फोल्ड करने के लिए जो मार्जिन जो है ऐसे ड्राइंग कर लेंगे, तब जब काटेंगे तो इधर उधर नहीं होगा, एकदम अच्छे से कटेगा। ये जो नए लोग होते हैं उनके लिए फार्मूला बता दिया हूँ, यहाँ से हमारा साइड कट खुलेगा। अब चलिए आर्मोर का देख लेते हैं, ये रखना है यहाँ पर, ऐसे रखने के बाद
ऐसे ड्राइंग कर लेना है। अब हमारा आर्मोल जो है 17 इंच का है, तो दो भाग में बांट उसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 8.5। तो यहाँ से वहाँ तक हमारा 8.5 इंच का आना चाहिए। तो देखते कितना रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं बराबर कट टू कट 8.5 इंच का आ चुका है। ठीक, तो ये जो है ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो लाइन को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, एकदम सटीक फार्मूला है ये। ठीक है, चलिए हम लोग कटिंग करते हैं इसको। ये देखिए हमारा कट गया है, अब नीचे से भी हम लोग कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर चटका लगा देंगे, यहाँ पर भी और ये चेस्ट का भी। अब हम इसमें जो है फ्रंट आर्मोल की गहराई निकालेंगे, तो भी सीख लेते हैं फ्रंट आर्मोल की गहराई कैसे निकालना है। तो सबसे पहले यहां से कट कर देंगे, गला काट लेते हैं पहले। ये देखिए ये देखिए ये हमारा कट गया पान गला। अब यहां से नाप लेंगे, पीछे जो गला है वो हमको रखना है 3 इंच का। तो सीधा ऐसे करूंगा, सीधा रखूंगा यहां से, ये देखिए यहां पे आएगा ना, तो यही से मैं 3 इंच ऐसे नाप लूंगा और काट दूंगा पीछे गला 3 इंच कट कर दूंगे ऐसे। ये देखिए ये पीछे का काट हो गया, बैक हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रंट आर्मोल का गहरा निकालने के लिए देखिए ऐसे, ये देख रहे हैं आप लोग मैं कैसे निकाल रहा हूं, ऐसे निकालना है आप लोग ऐसे। ये देखिए ये फ्रंट आर्मोल की गहराई में निकाल दिया हूं। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये देखिए हल्का सा इसमें 1/2 इंच का ऐसे आर्मोल के पास ऐसे कट करके ये निकाल लेंगे। ये तो हटाइए बाद में, इसको साइड में रख दीजिए। ये यहां से शोल्डर से यहां से मैं 1/2 इंच कट कर लिया हूं इतना। ये कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इस शोल्डर में ऐसे कर देंगे और फिर ये बैक वाले गले के पास से इसको हम लोग इतना इस यहां से ऐसे, ये देखिए ऐसे निकाल देंगे। ठीक, इससे क्या फायदा होगा, ये जो गला है ये लूज नहीं पड़ेगा, जब ऐसे झुकता है कोई ऐसे तो गला लूज पड़ता है, तो लूज नहीं पड़ेगा यहां पर, पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या होगा, शोल्डर के पास से हम जब बनता है तो यहां पर बहुत ज्यादा ऐसा यहां पे झोल आता है आर्मोल के पास, वो भी नहीं आएगा। ठीक, तो ये हमारा कुर्ती कट गया है। और पीछे का डाट लगाना जल्दी से सीख ले रहे हैं हम लोग, पीछे का डाट लगाना सीख लेंगे। एक कमर की जो लाइन है यहीं से ऐसे सीधा लेना है, ऐसे लेने के बाद और ये जो है ये हमारा हिप का भी ले लेना है। हिप का लाइन से हम लोग 1.5 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे। ठीक, अब यही जो मार्किंग किया यहां से 9 इंच ऊपर मार्किंग कर लेंगे। अब उसके बाद से ये जो हमारा जितना आया हुआ है ये हमारा इतना है 10.5 इंच 100 आया हुआ है, ये लेकर रख लेंगे यहां पर ऐसे 10 इंच 100 यहां रख लिया, यहां पर रहा है। अब यही इसको हम हाफ इसको डिवाइड कर लेंगे और मार्किंग यहां पर कर लेंगे। कितना बचा हमारा, 5 मानिए, चलिए 5 इंच यहां पर भी रख लेना है और 5 इंच यहां पर भी रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इससे मार्किंग कर लेंगे कि उस बाजू मार्किंग आ जाए, इसको ऐसे मिला देंगे और यहां से ऐसे ठीक से इधर भी और इधर भी और यहां पर और यहां पर। ये देखिए ये डाट लगाने का
एकदम परफेक्ट तरीका है, ठीक है। ऐसे टाइट लगाते हैं तो आपका फिटिंग बहुत अच्छा बैठेगा। एक काम और कर लेते हैं, यहां से पूरा इससे लाइन मार लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि आप लोग जब इसको फोल्ड करेंगे, अभी रुकिए बताता आपको, मैं पूरा मार लेता हूं। तो ये हो गया, इससे मारने से क्या होगा, ये चारों पल्ले पे जब दिखता है, ठीक है, ये दिखता है, तो इससे क्या होगा, अब इसको फोल्ड अप करेंगे ऐसे, तो यहां पर रखेंगे ऐसे और फिर एक पल्टी यहां मारेंगे, जब सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर तो चारों जो पल्ला है एकदम अच्छे से होगा, आगे पीछे नहीं होगा, एकदम अच्छे से बैठेगा, दिखने में अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसके फायदा होता है, अगर नहीं लगाएंगे इसको लाइन, ये लाइन पे आप जो दिख रहे थे आपको, तो ऐसे पकड़ के ऐसे मार देंगे, अगर ये लाइन नहीं मारते आप लोग तो भी अंदर भी इसको आ जाते हैं बहुत, एक बार कोई बहुत लोग ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे नहीं फोल्ड करना है, ये जो लाइन दिख रहा है इसके ऊपर ऐसे रखना है, ऐसे बढ़िया से लाइन के हिसाब से, और फिर ऐसे फोल्ड करना है, यही सही तरीका है, ठीक। इसका बाहें की जो कटिंग है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बाहें कटिंग डाला हुआ हूँ, इसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर कीजिए, दोस्तों आपकी सहेलियाँ हो उन पर उनके पास आप शेयर कीजिए, ठीक है। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मिलते फिर अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।